नमस्कार, मैं जयप्रकाश पांडे बुक कैफे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 5 बेहतरीन अलग अलग रंगों की किताबों पर आपसे बात करूंगा। मेरी पहली किताब वरिष्ठतम साहित्यकार, रामकथा विशेषज्ञ, जाने माने अध्यापक, विचारक, चिंतक, संस्कृति प्रेमी नरेंद्र कोहली जी की है। कोहली जी की यह पुस्तक समाज जिसमें मैं रहता हूँ इस मायने में खास है कि यह पुस्तक उनकी पहचान को एक अलग रूप देती है। कोहली जी 6 जनवरी 1940 को सियालकोट में पैदा हुए। रामकथा और भारत के पौराणिक आख्यानों को उन्होंने एक अलग रूप दिया अपनी लेखनी से। उन्होंने अभ्युदय नामक एक कथा लिखी जो रामकथा पर पूरे विश्व में किसी भी भाषा में लिखी जाने वाली सबसे बड़ी पुस्तक है। इसी तरह अभ्युदय, श्री कृष्ण भी उनकी कहानियों में रहे, उनके उपन्यासों में रहे और उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनका नाम इस देश के घर में जाना माना नाम है। हर घर में जो हिंदू मतावलंबी है वह उनको भारतीय संस्कृति का संरक्षक और प्रवर्तक समझता है। अब इतने बड़े आदमी ने अपने समाज को जिस दृष्टि से देखा है यह पुस्तक उसी के बारे में है। इसमें उनका जीवन अनुभव है और वह इस बात को साबित करते हैं कि उनके बारे में उन्होंने खुद से कहा है कि मेरे बारे में लोगों की यह मान्यता है कि मैं बहुत ही अक्खड़ा स्वभाव का हूँ, लोगों को डांट देता हूँ, लोगों को फटकारता हूँ और लोगों को यह सीख देता हूँ कि वह सत्य की राह पर चलें। आप सोचेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें बड़ी बात है। इस पुस्तक की शुरुआत कोहली जी जिस घटना से करते हैं उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। उन्होंने पहले ही पंक्तियों में लिखा है कि मेरी उम्र 80 साल है, मेरी शादी को 50 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरी पत्नी कहती है कि तुम अपने घर का काम नहीं करते। और काम में वो उदाहरण देते हैं कि घर में दूध नहीं आया है, तुमने बच्चे को नहीं पाला, जो कि सभी हमारे आपके सभी के घरों में ऐसी घटनाएं घटती हैं। यहाँ से शुरू कर कोहली जी जीवन के विविध रंगों, रूपों और अपने जीवन में आई बहुतायत घटनाओं का उल्लेख करते हैं। उन्हें इस बात पर एतराज है कि लोग सही समय पर आते क्यों नहीं, उन्हें इस बात पर एतराज है कि लोग समय देकर अतिथि को बुलाकर स्वागत करना नहीं जानते, उन्हें इस बात पर एतराज है कि लोग सही हिंदी का प्रयोग नहीं करते और हिंदी के प्रयोग में उपयुक्त शब्दों का चयन नहीं करते। उनका मानना है कि फारसी, उर्दू, हिंदी अलग अलग स्वरूपों में है और उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, उनके संस्कार अलग है, इसलिए इनका उपयोग अलग होना चाहिए। उनका मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर सफाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि निजी संबंधों में अगर कोई पारिवारिक संबंध निभाए जा रहे हैं तो उनमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। इसी तरह से उनके खट्टे मीठे अनुभवों जीवन की यह पुस्तक है जिसमें उन्होंने आखिर में यह माना है कि इस समाज से उनका जो अनुभव है वह कहीं न कहीं उस रूप में है जिस आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं उस रूप में सामने नहीं आता है। इसीलिए वो उम्र के इस पड़ाव पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह समाज सही है या मैं सही हूँ। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का दाम 399 रुपये है मूल्य। आज की दूसरी पुस्तक वरिष्ठ लेखिका सूर्यवाला का किक्का उपन्यास मेरे संधि पत्र है। यह उपन्यास देखने में जितना छोटा है इसकी भावभूमि उतनी ही बड़ी है। सूर्यवाला जी बनारस में पैदा हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वर्तमान में मुंबई में रहती हैं और उनकी किताबों की संख्या, पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक है। खास बात यह कि उनमें जीवन के विविध रंग दिखाई पड़ते हैं। यह पुस्तक, जैसा कि उनका कहना है,
1975 में पहली बार धर्मयुग में प्रकाशित हुई धारावाहिक के रूप में। उसके बाद यह छपी, फिर समय के गर्त में चली गई, दूसरी बार फिर छपी, फिर बिसरा दी गई, तीसरी बार इस पुस्तक का प्रकाशन फिर हुआ है और इसे कुछ लोगों ने कालजयी उपन्यास की संज्ञा दी है। आप सोचेंगे इस पुस्तक में ऐसा क्या है। यह पुस्तक 70-80 के दशक में आदर्श भारतीय नारी की कहानी है। एक लड़की जो अपनी दूसरी शादी, लड़की की पहली, वह जिस व्यक्ति से ब्याहता होती है उसकी दूसरी पत्नी है, जब वह उतरती है उसका स्वागत दो लड़कियां करती हैं, रिचा और रिंकी नाम की। ये दोनों लड़कियां इतनी तेजी से उसको, अपनी माँ को, सौतेली माँ को अपना लेती हैं कि उस माँ के जीवन का दुख, दर्द, चाहते, उम्मीदें, सपने सब इन बच्चियों से बच जाती हैं और उस परिवार की डोरी में बच जाती हैं। भारतीय परिवारों में सौतेली माँ का दर्जा जिस रूप में है, यह पुस्तक उसके ठीक विपरीत। वह लड़की जो शादी होकर, ब्याहता होकर दूसरी पत्नी के रूप में आती है, उसने उस बड़े घर के संस्कार को अपना लिया और इस कदर वह उस समा उस परिवार का हिस्सा बन गई कि उसने अपनी जाई बेटी रत्ना को भी वह प्यार नहीं दिया जो अपनी बड़ी बेटियों को दी। उसके पति का देहांत हो जाता है तो वही बेटियां, जिन बेटियों को उसने बचपन में डोली से उतरते ही वही अपनाया था, वो बेटियां चाहती हैं कि यह एक दूर के अंकल जो बाद के दिनों में दुख के, दर्द के रिश्तेदार हो गए थे, उनके साथ उस लड़की की शादी हो जाए। लेकिन शादी नहीं होती है, सिवा जो आखिरी में, आखिरी चैप्टर में सूर्य बालाजी ने उस लड़की का नाम उजागर किया है। सिवा इस बात को नकार देती है और वह कहती है कि नहीं, वह उसी परिवेश में रहेगी, उसी परिवार में रहेगी, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। आज के दौर में सुनने में यह कहानी जितनी अलग लगेगी, वास्तव में स्त्री मन की कोमल भावों को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उजागर किया गया है। इस उपन्यास का मूल्य 150 रुपये है। इसके प्रकाशक राजकमल पेपरबैक्स हैं और अगर आप भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप को समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हमारी आज की तीसरी पुस्तक है राजकुमारी रूपाम्बिका। यह एक ऐतिहासिक, जैसा कि नाम से जाहिर है, राजकुमारी यानी पुराने समय की बात होगी। ये ओडिशा की एक राजकुमारी की सच्ची प्रेम कथा, 14वीं सदी की प्रेम कहानी है, जिसमें कांची की राजकुमारी श्री क्षेत्र पुरी के राजा की तरफ आकृष्ट हो जाती हैं और वह उनसे प्रेम करने लगती हैं। उनको लगता है कि श्री क्षेत्र यानी पुरी भगवान जगन्नाथ की नगरी, भगवान जगन्नाथ जो विष्णु के अवतार, इस धरती पर माना जाता है कि विष्णु जिस भौतिक रूप में विराजते हैं वह श्री क्षेत्र है, पुरी है। और पुरी का राजा पूरे विश्व का प्रसिद्ध राजा है, तो उनकी शादी बड़े ही प्यार से हो जाएगी और उनके पिता इस पर इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि राजकुमारी रूपाम्बिका जब गजपति नरेश की तरफ आकृष्ट होती हैं, वो रथ यात्रा का दौर होता है। रथ यात्रा के दौर में कांची के महाराजा को भी आमंत्रण दिया गया होता है। कांची नरेश पुरी के वैभव को देख कर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनके मन में ये उजागर नहीं होता कि उनकी बेटी मन ही मन यहाँ के राजा को प्यार कर रही होती है। लेकिन वह देखते क्या है कि रथ यात्रा में अचानक एक चांडाल का रूप धारण करके, सोने की झाड़ू लगाता हुआ कोई व्यक्ति श्री जगन्नाथ के रथ के आगे चल रहा है, तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं और बहुत ही मन में धिक्कारते हैं कि ये कैसा राजा है, वो गजपति नरेश होते हैं और जो झाड़ू लगा रहे। उसके बाद उनकी विदाई होती है। जब वो कांची पहुंच जाते हैं तो पुरी का जो महामंत्री होता है, जो राजपुरोहित भी होता है, वह राजा से कहता है कि महाराज, मैंने आपकी नज़र में राजकुमारी रूपाम्बिका के लिए प्रेम देखा है, और क्या कांची में विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। जब विवाह प्रस्ताव लेकर एक दूत कांची नरेश के पास पहुंचता है उनके दरबार में, तो वह यह कहकर मना कर देते हैं
कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे क्षत्रिय से नहीं कर सकता जो वो चांडाल का व्यवहार करता है। यह पुरी के लिए एक किसी झटके से कम नहीं था। पूरा पुरी का राज दरबार इस बात को सुन के हतप्रभ रह जाता, क्योंकि पुरी के लोगों का मानना है कि श्री क्षेत्र जहाँ स्वयं विष्णु विराजते हैं उसकी महत्ता पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग से कम नहीं है। पुरी नरेश नाराज होते हैं और कांची पर चढ़ाई कर देते हैं। तो पहले ही बार के युद्ध में उनको हार मिलती है। जब वो हार जाते हैं तो वापस आ रहे होते हैं तो एक आश्रम में उनको एक संत मिलते हैं और वो कहते हैं कि अरे गजपति का साम्राज्य इतना महान, पुरी का सम्राट, वो हार के क्यों जा रहा है। संत उनकी ये बात सुनता है और बड़ा ही आश्चर्य में पड़ता है और उस पूछता है कि क्या आपने श्री जगन्नाथ से अनुमति ली थी युद्ध के पहले। तो वो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं कि पुरी के राजा तो स्वयं जगन्नाथ, और जब आपने बिना उनसे अनुमति ली तो आपकी हार निश्चित ही थी। क्यों? क्योंकि कांची की ओर से वहाँ के पूज्य श्री गणेश युद्ध कर रहे थे। आते हैं गजपति नरेश पुरी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं और मान्यता ये है कि उनकी ओर से स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण का विग्रह है वहाँ पे, और बलभद्र लड़ाई लड़ते हैं और वह युद्ध जीतते हैं। जीतने के बाद पुरी नरेश यह घोषणा करते हैं कि रूपांबिका की शादी एक चांडाल से कर दी जाए ताकि इस संसार में फिर कोई राजा पुरी नरेश का अपमान सिर्फ इसलिए ना कर सके कि वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में झाड़ू लगाते। महामंत्री के सामने एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा होती है और महामंत्री इस बात को सोचते हैं और सोचने के बाद वो विचार कर यह तय करते हैं कि अगली रथ यात्रा पर चांडाल से इस लड़की की शादी हो जाएगी। दैव संयोग कहिए, जिस दिन गजपति नरेश चांडाल के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की या की झाड़ू लगा रहे होते हैं उसी समय वो रूपांबिका को लेकर आते हैं और राजकुमारी रूपांबिका की शादी कर देते हैं। इस तरह से इस कथा का पटाक्षेप होता है। इस पुस्तक को सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड का मूल्य 500 रुपये है। अगर आप पौराणिक ऐतिहासिक प्रेम कथाओं में आपकी रुचि है तो आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। इसके लेखक अनिल कुमार। आज की चौथी पुस्तक लेबंटी चाह, इसके लेखक IIT कानपुर से शिक्षित अभिषेक दुबे हैं। अभिषेक दुबे अमेरिका में रहते हैं। यह उनका पहला उपन्यास है, इसको राजपाल एंड सन्स ने छापा है। इस पुस्तक में एक NRI की भारत यात्रा है। वह आता है, पटना लौटता है और पटना को अपने नज़रिए से देखता है। उसके साथ एक विदेशी लड़की भी होती है और वह पटना के जीवन को देखते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि दुनिया में आए बदलावों के साथ पटना के गांव, पटना शहर, पटना का समाज, वहां का जीवन, वहां का व्यवसाय किस रूप में बदला है। एक व्यंग है, एक कथा है, एक नॉस्टैल्जिया है। अगर आपको युवा लेखकों को समझना हो कि विदेश में रह रहा युवा भारती अपने देश को आज के दौर में किस रूप में देखता है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसका मूल्य 250 रुपये। आज की मेरी पांचवी पुस्तक अनमोल दुबे की कारमा गुलाम रूहों का, यह एक कहानी संकलन है। इसमें 3 कहानियां हैं, तीनों प्रेम कहानियां हैं। अनमोल दुबे अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इसमें खुद इस बात की घोषणा की है कि इस किताब में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन आज का युवा प्रेम किस रूप में करता है, प्रेम को किस रूप में जीता है, वो किस रूप से दर्द को महसूस करता है, इन सारी बातों का उल्लेख तीनों कहानियों में है। कहानियां लंबी हैं, देखने में इसके आकार से आप समझ सकते हैं। इसके प्रकाशक राजमंगल प्रकाशन है और इसका मूल्य 201 रुपये। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ और रोचक पुस्तकों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए साहित्य तक, और अगर आपको बुक कैफे का हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।